में जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया और उसका उद्घाटन हुआ, तभी ना उसके कोई एनवायरमेंटल स्टडीज हुए थे, ना किसी तरह का क्लियरेंस लिया गया था। पर अब बस एक दिन प्रधानमंत्री जी आए, अनाउंसमेंट हो गया कि जापान के भी प्रधानमंत्री आएंगे और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया। इस तरह से ये पूरा हुआ। उसके बाद सारी जो है एक्सरसाइज शुरू की गई कि क्या होंगे, क्या अभ्यास होंगे, कहाँ से जाएगा प्रोजेक्ट वगैरह। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को प्रभावित करने वाला ये प्रोजेक्ट है। तो हमने फिर पूछताछ शुरू की कि जिन गांवों से ये प्रोजेक्ट जाने वाला है या संभवित है, वहां आसपास पूछते हैं कि क्या है, उनको कुछ पता है क्या। खोजते खोजते जायका के वेबसाइट से, गवर्नमेंट के वेबसाइट से नहीं, भारत सरकार के वेबसाइट से नहीं, जायका के वेबसाइट से हमें जो है एक स्टडी मिला जो इसके इम्पैक्ट, इसके प्रस्तावित रूट, उसके बारे में बात कर रहा था। और उसी को लेकर जो है हम कुछ गाँव में जब गए तो लोगों को तो पता ही नहीं था कि वहां से कुछ जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से सर्वे चल रहा है और वो सर्वे के कुछ निशानियां छोड़ कर गए हैं, जो देखने से हमको पता चला ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सर्वे हुए हैं और यहाँ से जाने वाला है। गांव के किसी लोगों को जिसकी जमीन में ये सर्वे हुए हैं उनको पता नहीं था। सर्वे के लिए जो लोग आए थे किसी तरह की परमिशन लेकर आए थे तो बिल्कुल नहीं, यानी वो आए, सर्वे किया, चले गए, लोगों को कुछ जानकारी कोई नहीं। अब बेसिकली ये जो इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात आती है वो ये कहते हैं कि आपको सोशल इम्पैक्ट करना है, आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट करना है, लेकिन यहाँ इम्पैक्ट की बात तो छोड़िए, आपके जमीन पर सर्वे होकर जाता है और उसकी जानकारी नहीं दी जा रही है और इसका कोई सरोकार भारत सरकार को तो है ही नहीं। जायका के ध्यान में भी जब ये सारी बातें दिलाई गई तो उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। सबसे पहला कंसल्टेशन जो है नडियाद में हुआ, वो अचानक ही 2 दिन पहले हमको पता चला जब हम गांव में घूम रहे थे, तो लोगों ने कहा कि वो कुछ आया है और नडियाद में कुछ प्रोग्राम रखा है, जो फिर कटिंग वटिंग ढूंढवाया हमने उनके पास और पता चला कि ये तो एनवायरमेंट और सोशल इम्पैक्ट कंसल्टेशन है, जो गांव वाले लोगों को, जो प्रभावित गांव है उनको बिल्कुल ही पता नहीं था कि इस तरह का कंसल्टेशन है। कंसल्टेशन का मतलब तो यही होता है, जो सरकारी भाषा में कंसल्टेंट्स की भाषा में, जायका की भाषा में, कि हमने लोगों को पूरी जानकारी देकर उनका कंसेंट लिया है, उनकी समझ बनाई है और उसके बाद हम जो है ये प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं। कंसल्टेशन में किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई थी, यहां तक कि उस कंसल्टेशन में जो सवाल उठाए गए सिर्फ हमने नहीं पर वहां के स्थानिक लोगों ने भी उठाए, स्थानिक कुछ नेता थे उन्होंने भी उठाए। कलेक्टर ने उसी में ये कंक्लूड किया और वहां मीटिंग के दौरान ये हिदायत थी, जो कंसल्टेंट्स प्रेजेंटेशन कर रहे थे, कि आप बिल्कुल तैयारी के साथ नहीं आए हैं, बेसिक जानकारी जो लोग पूछ रहे हैं वो आप नहीं बता पा रहे हैं, तो ये आपके कंसल्टेशन का क्या मतलब। उसके बावजूद भी रिपोर्ट में इस कंसल्टेशन का मतलब हुआ है। नडियाद के कंसल्टेशन से शुरू होते होते जब भरूच के कंसल्टेशन तक बात पहुंची, तो भरूच के कंसल्टेशन में ये कहा गया कि सिर्फ जो प्रभावित लोग हैं वो ही इस कंसल्टेशन में आ सकते हैं। उससे बढ़कर जब नवसारी और सूरत के लिए कंसल्टेशन के एडवर्टाइजमेंट्स आए, नवसारी का पहला कंसल्टेशन हुआ, उसमें कहा कि प्रभावित के अलावा किसी और लोगों को अंदर आने नहीं दिया जाएगा, और आने भी नहीं दिया गया था। सूरत में तो हमको कंसल्टेशन से पहले, कंसल्टेशन हॉल के अंदर से यहाँ के डिस्ट्रिक्ट पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हम जैसे कार्यकर्ता, खेडूत समाज के लोग, ऐसे लोगों को पुलिस पहले ही बाहर निकाल कर ले गई, हमको डिटेन करके रखा जब तक कंसल्टेशन खत्म नहीं हुआ। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता है कि हम जिस देश में पैसा भेज रहे हैं वहां के हम पर्यावरण का ख्याल रखते हैं, लोगों पर दुष्परिणाम नहीं हो या उसके मिटिगेशन हो जाए उसका ख्याल रखते हैं, उस तरह का कोई ख्याल रखा जा रहा हो इसका हमारा बिल्कुल अनुभव नहीं है। क्योंकि हमारे साथ जो जो अनुभव हुए हैं वो ये है कि पूरे तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पर दबाव बनाया जाता है,
उनके साथ डेडलाइन फिक्स की जाती है कि इस डेडलाइन में आपको ये काम कर ही देना है, और किसी तरह से वो सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रिंसिपल्स की बात होती है, जिस मूल्यों और मॉरलिटी की बात ये सारे इंटरनेशनल फंडिंग देने वाले लोग करते हैं, वो मॉरलिटी कहीं भी ग्राउंड लेवल पर भी हमारे अनुभव में नहीं आई। जो मुझे लगता है, जो साथी जैसे शरद जैसे की बात सुनते सुनते मुझे लगा कि मुझे ये बात करनी चाहिए कि हम बिल्कुल ये अपेक्षा नहीं रखे कि अगर ये इंटरनेशनल फंड आया है तो किसी तरह से उनको इंटरनेशनली कुछ शर्म लगेगी, इंटरनेशनली उनकी बदनामी होगी, इस बात का उनको थोड़ा सा मलाल रहेगा। पर ऐसा नहीं होता है। गुजरात में हमारा अनुभव इससे बिल्कुल ही विपरीत है, और लोगों को जो न्याय की अपेक्षा होती है, आप अपने कागजात में, अपने डॉक्यूमेंट्स में न्याय की बात करते हैं, एनवायरमेंटल जस्टिस की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, पर वो जायका के साथ बुलेट ट्रेन के दौरान जो हमारा अनुभव है उसमें उससे विपरीत ही परिस्थिति दिखाई दी। धन्यवाद।